अहमद पहले खास खबरें। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी, कोविड कवायद पर मुकम्मल अमलावरी के साथ राय दही। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों कल धरानी पोर्टल का आगाज, चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये इकदाम मुल्क भर के लिए साबित होगा रुझान साज। दुबाक में इंतखाबी मुहिम उरूज पर हलके में सियासी जमातों के कायदीन के दौरे, और मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, रूबे सहत होने वालों की शरह 90.85% तक पहुंच गई। पेश खबरों की तफसील। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। सुलाजला के जुमला 71 हलकों में राय दही हो रही है, जहां से 1066 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड के पेश नजर ओहदेदारों की जानिब से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग मराकज के पास वक्फे वक्फे से सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। एक पोलिंग बूथ में जहां 1600 राय दहिंदों के हक रायदही से इस्तीफादे की गुंजाइश है, वहां सिर्फ 100 के लिए इंतजाम किया गया है। 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की गई है। सुबह 11 बजे तक 18.48% पोलिंग हुई। मरकजी वजरा गिरिराज सिंह ने लिखीसराय पोलिंग मरकज पहुंचकर हक रायदही से इस्तीफादा किया। जुमला 2,14,00,000 वोटर्स पहले मरहले के तहत हक रायदही से इस्तीफादा हासिल करेंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 3 नवंबर, तीसरे मरहले की पोलिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि नतायज 10 नवंबर को जारी किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के आगाज के पेश नजर रियासती आवाम को बाज मशवरे दिए हैं। वजीर आजम ने आवाम से कोविड के कवायद पर अमलावरी करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ख्वाहिश की। वजीर आजम ने मजीद कहा कि लोग कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लें, 2 गज की दूरी को यकीनी बनाया जाए और मास्क इस्तेमाल किया जाए। वजीर आजम ने ट्विटर पैगाम में कहा कि पहले हक रायदही से इस्तेफादा किया जाए, दीगर काम बाद में अंजाम दिए जाए। धरनी पोर्टल के आगाज के तारीख को खतिया दे दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कल दोपहर जिले मिर्चल मलकाजगिरी के मुड़ू चिंतलापल्ली में इसका आगाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर पुलिस सजनार ने मंगल के दिन तहसीलदार ऑफिस का मुआयना करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रेवेन्यू हुकाम को पोर्टल के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमत से वाकिफ करवाया। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार धरनी पोर्टल के आगाज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिले मिर्चल मलकाजगिरी के जिस मोड़ चिंतलापल्ली मौजे की जिम्मेदारी कबूल की है, वहां के तहसीलदार ऑफिस में जुमेरात की दोपहर वो इस पोर्टल का आगाज करेंगे। बाद अजान चीफ मिनिस्टर मोड़ चिंतलापल्ली मुजाफ हुए आवाम को पोर्टल से मुतालिक पैगाम देंगे, ये बात ओहदेदारों ने बताई। धरनी पोर्टल से मुतालिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार और धरनी ऑपरेटर्स को मंगल के दिन एक दिन की तरबियत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि धरनी पोर्टल में स्लॉट बुक होने के बाद दिए गए मुकर्रर वक्त पर दफ्तर तहसीलदार पहुंचने पर अंदरून 10 मिनट रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि धरनी पोर्टल के जरिए आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात के बगैर आसान शफाफ तरीक़ेकार से तेजी के साथ खिदमात मुहैया की जाएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल को धोखादेही से पाक बनाने के लिए तमाम तर इकदामात किए गए हैं। आधार नंबर के इंदराज के साथ ही अराजी के मालिक की तस्वीर के साथ तफसीलात धरनी पोर्टल में नजर आ जाएंगी। धरनी पोर्टल में दरपेश तकनीकी मसाइल की एकसुई के लिए रियासती सतह पर टीम तश्कील दी गई है, किसी भी तरह के मसले पर वो फौरी इसको हल करेंगे। इस पोर्टल के लिए रियासत गिर सतह पर कंट्रोल रूम के साथ जिले सतह पर टेक्निकल सपोर्ट टीमें भी काम करेंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नेटवर्क का मसला दरपेश ना हो, इसके लिए 7 सर्वर्स काम कर रहे हैं। पोर्टल के इंतजाम के लिए तमाम मंडलों में फीकस 10 लाख मजमूई तौर पर 57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हल्का असेंबली दुबाक का ज़मीनी इंतखाब 3 नवंबर को मुनक़िद शुदनी है, जिसके पेश नज़र सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है।
टीआरएस के सीनियर कायद हरीश राव हलके में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज सुबह उन्होंने अब पन्नापल्ली और दीगर मुआवजात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि टीआरएस मुल्क की वो वाहिद हुकूमत है जो किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम कर रही है। बीजेपी पार्टी की जानिब से निजामबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी भी आज दुब्बाक हलके में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वह रियासत बिहार को लूट कर जंगलाती निज़ाम लाने वालों को सबक सिखाएं। बिहार इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दरभंगा में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में बीजेपी एनडीए हुकूमत ने जो वादे किए थे उसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए एक बार फिर मौका फराहम किया जाए। बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका। हमने कहा था हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90,00,000 महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। हमने कहा था हर गरीब को 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड के ताल्लुक से आवाम को चौकस रहने के मकसद से जन आंदोलन के नाम से शौर बेदारी का आगाज किया। मुल्क में कोविड 19 की वबा को फैलने से रोकने के लिए वक्फे वक्फे से इकदाम किए जा रहे हैं। मौसम सरमा और त्यौहारों के सीजन के आगाज के पेश नज़र आवाम को और भी चौकसी अख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। मास्क के इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और मुसलसल हाथ धोने का वज़ीर-ए-आज़म शुरू से आवाम को मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने अहम शख्सियतों से लेकर आम आदमी तक तमाम को जन आंदोलन में शामिल होने का मशवरा दिया। जिले नलगुड़ा के महकमे सेहत के अहदेदार कुंदल राव ने आवाम को एहतियाती इकदाम का मशवरा दिया। डिस्ट्रिक्ट ICDS प्रोजेक्ट के अहदेदार DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डॉक्टर्स भी आवाम को एहतियाती इकदाम का मशवरा दे रहे हैं। प्रपंच देश सिंपल ఒక కింద ఒక గంప కింద ఒక కోడి చేసి కప్పడం లాంటిది మాస్క్ అంటే సో కాబట్టి ఇది చాలా అత్యంత జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన నియమం ఇది ఇది అసలు మెయిన్ వ్యాక్సిన్ అంటే మాస్కే రెండోది సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి కనీసం ఒక 6 ఫీట్లు ఒక 1 నుంచి 1.5 మీటర్ వరకు ఉంటే డెఫినెట్గా అతని నుంచి మనకు కానీ మన నుంచి అతనికి కానీ ప్రమాదం అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు మాస్క్ పెట్టుకోవడము చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడము శానిటైజర్ పూసుకుంటాము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కడుక్కునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు శానిటైజర్ పూసుకోవడము తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ అన్నది పాటించడము గుంపులలోకి ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉండడము అనవసరంగా బయటికి షికార్లు అంటూ వెళ్లకుండా ఉండడం ముఖ్యంగా చూసుకున్నామంటే మనం ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में पसमानदा अफराद की तिबी खिदमात के पेश नज़र कौमी हेल्थ मिशन स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर मियारी खिदमात की अंजामदेही पर मुल्क भर के नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हॉस्पिटल्स की निशानदेही करते हुए इन्हें तरगीबी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं।
इसी के तहत जिले मंचरियाल में नुमाया खिदमत अंजाम देने और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में साफ सफाई को यकीनी बनाने पर 5 पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 1 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए हुकूमत की जानिब से साल 2019-20 के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। इस अवार्ड के लिए इंतखाब पर मंदमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तिबी अमले ने मसरत का इजहार किया। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्कीय सतह पर रुबसायत होने वालों की शरह 90.85% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,66,786 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें 43,893 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 79,90,322 तक पहुंच गई। ताजा तौर पर 58,439 अफराद कोविड से रुबसायत हुए, जिसके साथ ही शिफायाब होने वालों की तादाद 72,59,509 तक पहुंच गई। इस वक्त 6,10,803 यानी 7.64% फाल केसेस हैं। इसी दौरान रियासत में कल रात 8 बजे तक किए गए कोरोना के टेस्टों के बाद 1,481 मुस्बत केसेस दर्ज हुए। रियासत में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,34,152 तक पहुंच गई। कल कोरोना से 4 अफराद की अमवात हुई, जबकि कल एक ही दिन में 1,451 अफराद रुबसायत हुए। ताहल इस वायरस से रुबसायत होने वालों की तादाद 2,14,917 तक पहुंच गई। रियासत में इस वक्त 17,916 फाल केसेस हैं, जिनमें से 14,883 होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शहरी हवाबाजी खिदमत का आज से दोबारा आगाज हुआ। एयर बबल खिदमत के हिस्से के तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई खिदमत बहाल कर दी गई। इसके हिस्से के तौर पर ढाका से 2 तैयारे आज सुबह कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना हुए। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर विक्रम दरानी स्वामी, बांग्लादेश सिविल एविएशन के चेयरमैन मार्शल मुफीदुर रहमान ने फिजाई खिदमत का आगाज किया। फिजाई खिदमत की बहाली से दोनों ममालिक के आवाम को काफी राहत मिली है, बिलखसूस हिंदुस्तान इलाज के लिए आने वाले अफराद के लिए यह खिदमत इंतहाई सूदमंद साबित हो गई। एयर बबल खिदमत के तहत दोनों ममालिक के दरमियान 28 तैयारे चलाए जाएंगे। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी। कोविड कवायद पर मुकम्मल अमल आवारी के साथ राय दही। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों कल धरानी पोर्टल का आगाज। चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये इकदाम मुल्क भर के लिए साबित होगा रुझान साज। दुबाक में इंतखाबी मुहिम उरूज पर हल्के में सियासी जमातों के कायदीन के दौरे। और मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, रूबे सहित होने वालों की शरह 90.85% तक पहुंच गई।